हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिठू मजुमदार रेसिपीज एंड ब्यूटी केयर। फ्रेंड्स, आज है फ़रवरी के 3 तारीख और ये शुरू हो गया मेरा मॉर्निंग रूटीन। और मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन। मैं अभी यहाँ पे बनाऊँगी बॉइल्ड राइस मम्मी के लिए और ब्रेकफास्ट मटर के पराठे और चाय, क्योंकि आज मंडे है। मैं आज मेरा फास्ट रहता है तो आज मेरा कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ मम्मी के अकेले के लिए ही खाना बन रही है। Come with me and let us dance. Tell me these colorful stories. Where I don't know, but life is also a place made of many, many dreams. Always stay connected. What you gonna do if I do? Tell you what you know, yes you know. It's a family, my magic joy in a dream. और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पराठे बेल रही हूँ और मैं यहाँ पे देख रही थी पराठे गोल बने हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे जो मैं जो बेलना है रोटी पराठे, ये मुझे बेलना नहीं आता है। मैं हमेशा रोटी मेकर में ही रोटी पराठे वगैरह बनाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे बिना साइज़ वाला राउंड तो हुआ नहीं मेरे पराठे, लेकिन मेरे रोटी मेकर ख़राब हो गया है, जिसके वजह से जैसा भी बनेगा मम्मी को मैं वैसा ही दे दूँगी। जैसे ही मेरा रोटी मेकर ठीक हो के आ जाएंगे, मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं रोटी मेकर में कैसे रोटी पराठे बनाती हूँ। तो मम्मी के लिए सिर्फ 2 ही पराठे काफ़ी हैं, तो 2 पराठे मैं बना लूँगी मम्मी के लिए। और बाजू में बॉइल्ड राइस टमाटर जो था वो भी हो चुका है, तो ये दोनों पराठे मैं जब बन जाएंगे मैं दे दूंगी ब्रेकफास्ट मम्मी को। और ये भी मेरा पराठे बन गया है। और दूसरे वाले पराठे बन गया है। और ये है मम्मी के लिए नाश्ता जो मैंने बना लिया है। और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। नहा धो के आने के बाद, आज मंडे है तो मेरा हेड बाथ भी रहता है, तो ये मैं बाल सुखाने के लिए बाहर आ गई बालकनी में। और मैं इसी तरीके से बाल सुखाती हूँ। कभी कभी मुझे अगर लगता है कि बहुत जल्दी कहीं जाना है तो मैं तब ब्लो ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा हेयर जो का जो लेंथ है, बालों का जो लेंथ है, आप देख सकते हैं। और आपको अगर जानना है कि मेरे हेयर लेंथ मैंने कैसे बढ़ाया, पहले मेरे हेयर लेंथ इतना ज़्यादा नहीं था, कम था, और मैं हेयर का जो केयर है वो कैसे करती हूँ जैसे कि मेरे हेयर लेंथ इतने जल्दी बढ़ गया है। आपको अगर चाहिए तो आप मेरे हेयर ग्रोथ जर्नी चाहते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ अगर वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं उसके लिए सिंगल वीडियो बना लूँगी फिर उसके लिए। चलिए, मैं सुखा ली थी बाल। Come with me and let us dance. Tell me. Good morning friends, आप सब कैसे हैं? Comment section में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आज है, ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, अवॉइड कीजिएगा। आज है फरवरी के 3 तारीख। और आज सुबह उठ के मैं क्या क्या करी, मेरा नहाना धोना भी हो गया है, मैं बाल भी सुखा रही थी। बाल अभी तक पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। और आज है मंडे, तो आज मेरा फास्ट रहता है,
तो ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी मैं बनाई थी वो मैं मम्मी के लिए बनाई थी। और लंच में आज मम्मी बहुत ज़्यादा हेवी फूड की कुछ नहीं खाएगी, क्योंकि इतने दिन से थोड़ा हेवी फूड खाना हुआ था, फिश वगैरह खाना हुआ था। तो मम्मी आज बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड टमाटर और बॉइल्ड हरी मिर्च, इसी से दोपहर का लंच करेंगी। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो तो आपने देख ही लिया है, चाय और मटर के पराठे थे जो मम्मी ने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ एक क्लचर लगाऊंगी क्लिप में और ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। और मैं बोली थी ना आपको कि लास्ट वाले जो ब्लॉग है उसमें आप अगर नहीं देखी होंगी तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक यूट्यूबर के बारे में मैंने बताया है वो कैसे है, उसका सच क्या है। वो तो आप नहीं देखेंगे तो वो पिछले वाले मेरे लास्ट वीडियो है वो वाला देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो में बताई थी आपको कि मेरे जो पिंपल्स हैं वो मैंने कैसे कम किया है। तो शायद मैं इसी वीडियो में उसको बताऊंगी आपको, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा टाइम टाइम कम है। मैं शाम को आके मिलती हूँ और व्लॉग मेरा कंटिन्यू होगा कल तक, क्योंकि आपको पता है मेरे व्लॉग एक दिन का नहीं रहता है, क्योंकि उतना टाइम मैं आप लोग को दे नहीं पाती हूँ, ऑफिस जाना रहता है। तो मेरा 2 दिन का व्लॉग होता है और हफ्ते में लगभग 3 व्लॉग होता है। तो शायद कल सुबह मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना पिंपल को कैसे कम किया है। तो इंटरनली भी कुछ मैंने दवाई लिए है और बाहर के लिए भी जो स्किन है, फेस की स्किन के लिए भी, उसके लिए भी मैंने कुछ स्किन केयर जो है वो उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। वो क्या क्या है वो मैं बताऊँगी, देखते रहिए। तब तक मैं बोलेंगी आपको शाम। हे फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और मैं कल आपको बताई थी कि मैं अपना जो पिंपल केयर है और मेरे जो एक्ने जो क्यूर हुआ है वो किससे हुआ है, क्या है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली थी। और कल आने के बाद मैं सोची थी मिलूँगी आपसे और मेरा जो डिनर रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन डिनर रूटीन मतलब कल मेरा फास्ट था, तो सारा दिन का कुछ का खाना पीना वैसे तो होता नहीं है। तो शाम को आने के बाद, नहा धोने के बाद मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मेरा ये हुआ कि सारा दिन कुछ नहीं खाई थी तो मैं कुछ हैवी नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैंने खिचड़ी और बैगन फ्राई किया था। और बंगालियों का बहुत फेवरेट खानों में से बोल सकते हो आप, बंगाली बोलते हैं खिचड़ी और बैगन भजा। तो ये तो मतलब अगर ये हो गया तो पेट भर के वो खा ले और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगा ही नहीं उन्हें। तो मैंने कल खिचड़ी और बैगन फ्राई किया था, तो वही रात का डिनर मेरा हो गया। तो मैं शेयर करने वाली थी लेकिन छोड़ सारा दिन उपवास के बाद इतना भूख लगती है सोच लो, तो वो तो मैंने शेयर नहीं किया था। लेकिन खिचड़ी बहुत यम्मी बनी थी। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी आपसे शेयर करूंगी। वैसे खिचड़ी का जो रेसिपी है वो मैंने दिया हुआ है, वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे कि बंगाली खिचड़ी कैसे बनते हैं करके, तो मैं वो दे दूंगी आपको। और जो मैं स्पेशल बात आज बताने के लिए आई हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए, आज सुबह का सारा काम हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, लेकिन मैं बोली ये आपसे शेयर कर देती हूँ, आज व्लॉग आपका चला ही जाए। तो मतलब आज 4 तारीख है, कल 3 था। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरा जो एक्ने जो स्किन था अभी भी है, थोड़ा बहुत मार्क्स है बस, लेकिन पिंपल ऑलमोस्ट क्यूर हो चुका है। बड़ा बड़ा जो एक्ने होता है ना वो क्यूर हो चुका है लगभग, और दाग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो दाग तो धीरे धीरे जाएगा ना, एक साथ में थोड़ा बहुत दाग है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी मैं जल्द ही कम कर लूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं, मैंने क्या फेस वॉश यूज़ किया, क्या चीज़ और यूज़ की वो मैं बता देती हूँ आपको। वैसे तो क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो मैं करती हूँ किस चीज़ से वो मैं बता देती हूँ। और मैं क्लिंज करती हूँ गुड वाइब्स के नीम फेस वॉश से, और ये गुड वाइब्स के जो नीम फेस वॉश है डीप क्लिंजिंग फोमिंग फेस वॉश है। तो ये फोमिंग फेस वॉश है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको ऐसे नोजल में आता है, इसको ऐसे पंप करो तो पूरा क्या बोलते हैं फोम निकलता है सीधा सीधा, फेस वॉश जैसे कुछ नहीं निकलेंगे, फोम निकलेंगे और डायरेक्टली फेस में डाल के लगभग 1 मिनट तक इससे जैसे वॉश करना रहता है, मसाज करना रहता है, वैसे करना रहता है।
और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है फ्रेंड्स, और मैं इसीलिए इसको ट्राई करी, इससे पहले मैंने इसको ट्राई नहीं किया, और ये मेरा लगभग आधा बोतल से ज़्यादा हो चुका है। और बाजू में थोड़ा गाड़ियों का साउंड आ रहा होगा, अवॉइड कीजिएगा क्योंकि स्कूल बस जा रहे हैं, और मैं शूट कर रही हूँ बाहर बालकनी में बैठ के, क्योंकि अंदर उतना लाइट नहीं है जितना मुझे चाहिए होता है। और ये क्या क्या फ्री है, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें इंग्रेडिएंट्स, और क्या क्या फ्री है, केमिकल फ्री क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि हमारे स्किन को हानि नहीं पहुँचता है। और इसमें है लिखा हुआ नो पैराबिन, नो सल्फेट्स, नो मिनरल ऑयल, नो क्वालिटी फ्री, क्वालिटी फ्री। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ जो केमिकल वाले चीज़ ऐड किया जाता है वो सब कुछ फ्री है। मतलब ये जो सेंसिटिव स्किन, पिंपल प्रोन स्किन होता है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। केमिकल वाले चीज़ बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है उनकी स्किन, तो केमिकल वाली चीज़ यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा उनका सत्यानाश हो जाएगा, बैंड बच जाएगा स्किन का। तो जो भी चीज़ें हो लो आप, ये सारा फ्री होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। तो मेरे फेस वॉश में से जो मैं क्लींस करती हूँ ये वाले फेस वॉश से, तो ये तो मेरा सब कुछ फ्री है। तो मैंने इसको आधा यूज़ किया, ज़्यादा मतलब आधा से ज़्यादा यूज़ करने के बाद इतना मैंने यूज़ कर लिया, तब तक मेरा पिंपल्स लगभग कम्प्लीट हो चुका है। तो ये है एमएल्स, मैं इसका बता देती हूँ, 150 ml है, और इसका प्राइस जो है 215 rupees, लेकिन मुझे शायद 35% समथिंग इसमें डिस्काउंट आया था, प्राइस इसका 215 rupees है, मुझे 145 या समथिंग में आया था। मैंने purple.com से लिया था, मैं लिंक दे दूंगी, आप अगर चाहो तो लेना ले सकते हो। फिर उसके बाद क्लिंस तो हो गया, टोनिंग के लिए मैंने यूज़ किया था गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर यूज़ किया था, ये ग्रीन टी ग्लो टोनर है। आपको पता है कि ग्रीन टी पिंपल्स के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बोल सकते हो आप, तो ये कितना है क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। और इसका नेट वेट है 200 ml, और इसका भी इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़ लिया था, सब कुछ है, सब बहुत अच्छा है। और इसमें भी क्या क्या फ्री है वो भी मैं बता देती हूँ, ये भी केमिकल फ्री है, आयुर्वेदिक है बोल सकते हो, केमिकल फ्री वाले चीज़ प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये क्या क्या फ्री वो बता देती हूँ, ये भी अल्कोहल फ्री है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये नो अल्कोहल है, नो पैराबिन्स है, नो सल्फेट्स है, क्वालिटी फ्री है, ये भी उसी चीज़ से है, इसमें अल्कोहल फ्री है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तो जो भी है ये सारा चीज़ मैंने जो भी पढ़ा है ना, ये फ्री होना चाहिए, तो मतलब वो नेचुरल चीज़ें हैं। तो टोनिंग मैं इससे करती हूँ, क्लिंजिंग में वो जो अभी फेस वॉश बताई, टोनिंग इससे करती हूँ, और मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप देखे होंगे इससे पहले मैंने इसका रिव्यू भी किया था, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। मेरे ऑयली स्किन है उसकी वजह से मैंने जो ये लैक्टोकैलामाइन ऑयल बैलेंस वाला जो लैक्टोकैलामाइन है ऑयल फ्री स्किन के लिए मैंने ये यूज़ करती हूँ। मेरे पास अभी छोटा बॉटल है, मैं बड़ा बॉटल वैसे हमेशा रखती हूँ, छोटा भी एक रख लेती हूँ हमेशा, कि मुझे कहीं पे भी जाना तो ट्रैवल फ्रेंडली हो। इसमें भी ये भी केमिकल फ्री है, और इसका जो नेट वेट है 30 ml है, और इसका प्राइस कुछ 75 rupees समथिंग है, दिख नहीं रहा है कहाँ है, हाँ 75 rupees है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मैं जो करती हूँ डेली का, सुबह शाम का, वो ये तीन चीज़ है जिससे कि मेरा पिंपल्स, मतलब स्किन केयर के लिए मैं ये तीन चीज़ मस्ट एंड शुड बोलती हूँ। और जिसको भी पिंपल प्रोन स्किन है प्लीज़ ये सब कुछ यूज़ करो, और लगभग 2 से 3 महीने में अपना फ़र्क समझ जाओ। और इसके अलावा जो मैं बाहरी स्किन केयर करती थी इससे जो मैंने आपको बता दिया है। और गाइज अगर आपको पिंपल्स पूरी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि इससे बाहर से होगा, अंदर का जो चेंजेस है वो नहीं होगा, एक्ने जो आना है वो तो आते ही रहेंगे, तो अंदर से क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ साफ़ी। तो ये जो साफ़ी है नया पैकेजिंग है, पहले पुराना पैकेजिंग आता है, और ये 21 days फॉर्मूला है, और ये स्पेशली बने हुए हैं जैसे फॉर पिम्पल फ्री ग्लोइंग स्किन, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर पिम्पल फ्री ग्लोइंग स्किन के लिए। और ये ब्लड प्यूरीफायर है, मतलब अंदर से क्लीन होंगे तभी ना बाहर से क्लीन होंगे भाई,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्लियर ठीक ना हो तो फिर पिंपल्स आने वाला प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होगा गाइस, कभी नहीं। तो मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कुछ दिनों से, तो मुझे पिंपल्स आने लगे थे। लगभग एक साल से मैं सफ़र कर रही थी। उससे पहले मेरा स्किन एकदम नीट था, टीन एजेस पे मेरे पिंपल्स थे जो दो साल के अंदर क्लियर हो चुके थे, फिर उसके बाद मुझे लास्ट ईयर से होने लगे थे। तो अभी मैं सोची कि क्यों, मेरा अभी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, मैं अभी टीन्स में भी नहीं हूँ, अभी मैं 23 प्लस की हूँ। और जब मैंने 22 कंप्लीट किया था ना, मेरा एज जब मैंने 22 कंप्लीट किया तब स्टार्ट हुआ था, और अभी मैंने 23 कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब एक साल से है। तो ये पीने से ना डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो उस हिसाब से ये मैंने चैलेंज लिया था, हाँ 21 डेज में मेरा मतलब जो पेट जो क्लियर नहीं होता था ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर होने लगे हैं, और उसके साथ साथ मेरे पिंपल्स भी अच्छा खासा क्लियर हो रहे हैं। मतलब जब मेरा ब्लड ही प्योर हो जा रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जा रहे, तो धीरे धीरे मेरे स्किन में भी चेंजेस आने लगे। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कंटिन्यूसली पिंपल्स के लिए रिकमेंड करूँगी, जो बहुत अच्छा है। इन चीज़ों का अगर आपको सिंगल सिंगल रिव्यू चाहिए तो ये भी कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर दूँगी इन सब का सिंगल रिव्यू, मुझे कैसा लगा कैसा नहीं, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बहुत ही आपसे शेयर कर पाई। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी चीज़ का आपको रिव्यू चाहिए, जेन्युइन रिव्यू दूँगी, मुझे कैसा लगा कैसा नहीं। और वैसे तो मैंने बताया मुझे कितना अच्छा लगा, लेकिन ये मैं डिटेल में नहीं बता पाई। तो ये तो था मेरा पिंपल्स का जो जर्नी था वो मैंने बताया, मुझे कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ था करके। तो चलो आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ, और इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप चेक कर सकते हो, आपको लेना है तो ले सकते हो आप वहाँ से। चलो मेरा वीडियो तो यहीं तक है, अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगा तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो मेरे डेली आते रहेंगे ब्लॉग्स के द्वारा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप देख ही रहे हो सब्सक्राइब करके देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मुझे देखता है, 90% जो मेरे वीडियोज़ देखता है वो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, और 10% सिर्फ सब्सक्राइबर देखते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स प्लीज़ देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, और बाजू में डिंग 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 वाली बेल बटन इसको ज़रूर दबाओ, जिससे कि जब भी मेरे कोई हेल्पफुल वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।